हाँ तो तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? वो तो डॉक्टर जी पहले से ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक होनी चाहिए। तो दवाई खा ली थी? नहीं जी, खाली कहाँ, वो तो पूरी शीशी भरी हुई थी। मेरा मतलब है दवाई ले ली थी? हाँ जी, बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ले ली थी। आपको पता है उसने मुझे 30 रुपए वापस ही नहीं दिए। जी पागल औरत, मेरा मतलब है दवाई पी ली थी? नहीं जी, पीली कहाँ थी, लाल थी वो तो। और मेंटल हॉस्पिटल की सीईओ दवाई को पी लिया था? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था, दवा को क्यों होगा। और बहन जी, मेरा मतलब है दवाई को मुँह से लगाकर पेट में डाला था? नहीं। क्यों? वो आपने ही तो कहा था कि बोतल को ढककर रखना है। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? नहीं। क्यों डॉक्टर जी? तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और तुम्हें गेम्स भी खेलनी चाहिए। हाँ, गेम्स तो मैं खेलती हूँ। अच्छा, कितने घंटे खेलती हो गेम्स? और जब तक मेरे फोन की बैटरी नहीं लो हो जाती तब तक। ओह गॉड। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर जी? नहीं कुछ नहीं, ये दवा लिख रहा हूँ, ये दवा तुमने लाजमी खानी। अच्छा सुनिए तो, अब क्या हुआ? वो जरा मेहरबानी फरमा के मेरे बॉयफ्रेंड को तो अंदर बुला लें। देखें, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूँ। नहीं, वो आपकी नर्स बाहर खड़ी है और मेरा बॉयफ्रेंड एक नंबर का कमीना है। ओह शिट। अच्छा शगुफ्ता, तुझे पता है मेरा शवर क्या कहता है? जी बताओ क्या कहता है। वो कहता है शादी से पहले हीरो नंबर वन और शादी के बाद कूली नंबर वन। शादी से पहले मैंने प्यार किया और शादी के बाद ये मैंने क्या किया। शादी से पहले जान मत जाओ और शादी के बाद प्लीज चली जाओ। शादी से पहले तुम बिन रहा ना जाए और शादी के बाद और सहा ना जाए। शादी से पहले आई लव यू और शादी के बाद आज फिर आ लू। शादी से पहले जान मिलने कब आओगी और शादी के बाद मैं के कब जाओगी। अच्छा तो तुम क्या कहती हो, आपका शोहर कैसा हो? मैं कहती हूँ शोहर अपना वाइट हो, लंबी उसकी हाइट हो, गुस्से का वो लाइट हो, जेब उसकी टाइट हो, उसकी माँ से जब फाइट हो तो कहे बेगम तुम राइट हो।